नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड गपशप में। वैसे तो आपको एंटरटेन करने का कोई मौका हम जाने नहीं देते, चाहे वो किसी के ब्रेकअप की खबर देना हो या किसी की शादी की। हम सबसे आपको रूबरू कराते हैं और आज भी बी टाउन की कई ऐसी खबरें हम लेकर आए हैं जो आपको पूरी तरह से तरोताजा कर देगी। क्यों, सही कहा ना, जब लाइफ में इतना स्ट्रेस हो तो थोड़ी देर की हंसी खुशी भी जरूरी है और थोड़ा मसाला भी। तो चलिए, देर किस बात की, हो जाइए तैयार मसालेदार गॉसिप्स के लिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी फिटनेस फ्रीक है। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने वर्कआउट के कई वीडियोस फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। दिशा ने कुछ घंटे पहले ही एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो काफी हैवी वर्कआउट कर रही है। दिशा के इस वीडियो को देखकर फैंस हैरान रह गए। इसमें वो 70 किलो वजन उठाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा 30 किलोग्राम वजन उठाकर हिप थ्रस्ट के 3 सेट पूरा करते हुए दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मैंने कुछ पसंदीदा कुछ एक्सरसाइज करने के लिए। जिसके बाद दिशा के रूमर बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ की माँ आयशा इन वर्कआउट की तारीफ कर रही हैं। उन्होंने कमेंट में लिखा, वह दिशु वैसे सास की तारीफ से बहु खुश जरूर हुई होगी। वही एक्ट्रेस आलिया ब्राम ने लिखा, डैम गुड दिशा। दिशा की बहन खुशबू ने भी कमेंट में लिखा, डैम बर्निंग सेंसेशन। इसके साथ ही फैंस उनके ऐसे वीडियोस पर कमेंट कर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। दिशा के इस वर्कआउट वीडियो को 15 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत का आज बर्थडे है। आज वो 34 ईयर्स की हो गई है। इस मौके पर फैंस उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और उनकी सलामती की दुआ भी मांग रहे हैं। वहीं कंगना रनौत को जन्मदिन से पहले ही एक बहुत ही खास गिफ्ट भी मिल चुका है। एक दिन पहले ही कंगना रनौत ने नेशनल अवार्ड जीता है। कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। ये कंगना रनौत को चौथा अवार्ड मिला है। जन्मदिन से एक दिन पहले मिले राष्ट्रीय पुरस्कार से कंगना बेहद खुश है। उन्होंने इसके लिए आभार भी जताया है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट के जरिए कहा, मुझे फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए नेशनल अवार्ड मिला। मणिकर्णिका मैंने डायरेक्ट भी की है, फिल्म पंगा में एक कलाकार थी। ऑडियंस और फैंस का धन्यवाद, नेशनल अवार्ड की पूरी टीम का धन्यवाद। वैसे कंगना कैसे खुश नहीं होंगी इतना बड़ा अवार्ड जो उन्हें मिला है। खैर, हमारी तरफ से भी कंगना अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आप ऐसे ही बिंदास बोल बोलती रहें। टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 14 की विजेता रूबीना दलेक पति अभिनव शुक्ला के साथ अपने नए म्यूजिक वीडियो मरजानिया की सफलता को काफी खुश होती हुई नजर आ रही हैं और देख भी रही हैं। नेहा कक्कड़ ने इस गाने को गाया है जो कि एक रोमांटिक ट्रैक है जिसमें दोनों पति पत्नी की जोड़ी दिखाई दे रही है। इस नए गाने को लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं और इसे काफी पसंद कर रहे हैं और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी बीच रूबीना के पति अभिनव शुक्ला ने पहली बार रील बनाया जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। हाल ही में शेयर किया गया वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है जिसमें दोनों मरजानिया पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में दोनों का डांस और अंदाज वाकई कमाल का लग रहा है। खास बात तो ये है कि रूबीना के साथ अभिनव भी मरजानिया पर जबरदस्त डांस कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करने के साथ उन्होंने लिखा है कि मेरी पत्नी के साथ ये मेरी पहली रील है। इस वीडियो को अब तक 3 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। साथ ही बॉलीवुड के कई सितारे इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव भूल गए क्या? अरे वही जिनकी खूबसूरती आपने विवाह फिल्म में देखी थी, याद आया? जी हाँ, अमृता और उनके पति आरजे अनमोल अपने रिश्तों को लेकर सुर्खियों में रहना ज्यादा पसंद नहीं करते। फिर चाहे उनकी चुप चुप शादी हो या फिर उनकी प्रेगनेंसी, ये कपल अपनी निजी जिंदगी को लेकर लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों पहले अमृता राव ने एक फोटो शेयर की थी जिसमें वो उनके पति और बेटा तीनों साथ में दिखाई दे रहे थे। इस फोटो में वीर की पहली झलक देखने को मिली थी। इसी के साथ हाल ही में अमृता राव ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके पति अनमोल उनके बेटे वीर के लिए वो सभी काम करते हुए दिखाई दिए जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। इस वीडियो को अमृता राव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है और कैप्शन में बहुत ही क्यूट तरीके से लिखा, अ हैंडसम
ऑन मॉम नथिंग विदाउट अ हैंड्स ऑन पापा। मुझे बहुत गर्व है आप पर, ये वीडियो सभी सितारों का चहेता वीडियो बन चुका है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। भले ही प्रीति अब फिल्मों से बेहद दूरी बना रखी है, मगर बावजूद इसके आज भी एक्ट्रेस फैन के लिए इंडस्ट्री की सबसे क्यूट एक्ट्रेस हैं और डिंपल वाली गर्ल हैं। हाल ही में देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर प्रीति जिंटा ने मजाकिया अंदाज में एक मीनिंगफुल फोटो शेयर की है और कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक कर दिया है। प्रीति जिंटा ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है जिसमें देशवासियों के लिए गहरा संदेश छिपा है। पोस्ट में लिखा है कि एक पब्लिक सर्विस मैसेज है, अगर आप टेस्ट या महक या फिर दोनों को महसूस नहीं कर पा रहे तो ये कोविड 19 के लक्षण हो सकते हैं, मगर कॉमन सेंस का खो जाना कोविड 19 का लक्षण नहीं है। ये वो कारण है जिसकी वजह से आप कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, कृपया मास्क पहने। जहां बॉलीवुड के सभी सितारे फैन से मास्क लगाने की विनती कर रहे हैं, ऐसे में प्रीति ने ये मजाकिया अंदाज में संदेश दिया है जो कि फैंस के दिमाग में पूरी तरह से घुस चुका है। साथ ही साथ सभी उनकी इस पोस्ट पर अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहे। इंडस्ट्री से कई साथी और फैंस प्रीति के संदेश से इत्तेफाक रखते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन भी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करके प्रीति के इस अंदाज पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। और बॉलीवुड गपशप में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।